आम टीवी रे मु आपनो स्वागत करुछि। आसंतु स्टार्ट करिबा। टॉपिक अछि हाउ टू एक्सपोर्ट टू यमेन। यमेन को आपण केमिति एक्सपोर्ट करिवे भारत रु उड़ीसा रु, ता उपरे मैं डिटेल्स रे कहिबी हाउ टू एक्सपोर्ट टू यमेन। से यमेन गोटे देश अछि, ये इस्लामिक कंट्री अछि, मुस्लिम देश अछि, जे कि मिडिल ईस्ट रे लोकेटेड अछि। यमेन रो राजधानी रो नाम हला साना, और आर जे यमेन रो राजधानी रो नाम हला साना, और यमेन रो जे अच्छी तांकर लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज रे कथा कहती। यमेन रे तांकर जे करेन्सी को कह जाए यमेनी रियाल, तांकर करेन्सी रो नाला, तांकर टंकार नाला यमेनी रियाल। आउ तांकर ऑलमोस्ट सातटा एयरपोर्ट्स अछि, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अछि, एंड सातटा सी पोर्ट्स अछि। तो यमेन जे गोटे देश आपण देखेदेली, यमेन रो जे नेबरिंग कंट्रीज हेले, नेबरिंग पड़ोसी देश माने हेले सऊदी अरबिया, ओमान, कतार, बहरीन, कुवेट, जॉर्डन, ए देश गुड़ा है तार जे नेबरिंग कंट्री पड़ोसी देश माने। तो यमेन जे देश आज 20 वर्ष आगुरु यमेन वाज वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री इन द मिडल ईस्ट। 20 वर्ष आगुरु यमेन गोटे रिच कंट्री थिला, धनी देश थिला। बट कौन है धीरे धीरे तांको देश भितर किसी गृहजुद्ध चली, आज को 15 वर्ष है गृहजुद्ध चलवा जो गवर्नमेंट दुर्बल हो जाए, वीक हो जाए। देन तांको देश भितर दुईटा लाइक दुईटा पार्टी एंड तांकर जे टेररिस्ट अटैक्स होउछि। तो आ उपरे पॉलिटिक्स उपरे आज तो मु कहि परबिनि, बट तांकर गृहजुद्ध पई देशर बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो जाछे। तो फिर भी यमेन बहुत सारे प्रोडक्ट आज 20 वर्ष है इंडिया रु इम्पोर्ट कर आसुला, एबे भी बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया रु इम्पोर्ट कर आसुछि। तो आज ये टॉपिक रे मु आपनु कहिबी को प्रोडक्ट यमेन इम्पोर्ट करे वर्ल्ड वाइड फ्रॉम इंडिया। तो आपन को से प्रोडक्ट को लिस्ट करके अरेंज करके सोर्स करके भारत रु यमेन को आपन एक्सपोर्ट करि परिबे। तो आसंतु मु आपन डिटेल्स रे कहिबी, आगु कहिबी को प्रोडक्ट लिस्ट करके कहि देबी, केमिति आपन यमेन को एक्सपोर्ट करिबे एवं केमिति आपन को यमेन रु एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलिबो, आ को प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिबे, को प्रोडक्ट को यमेन बाय करूछि, आपन को आगु को देखौछि। तो यमेन रे यमेन रो लोकेशन कहीदेली कौटी अच्छे मिडल ईस्ट कंट्री रे लोकेटेड अच्छी। आपन को सड़क मार्ग यानी रोड ट्रांसपोर्ट करें एक्सपोर्ट, रेलवेज द्वारा एक्सपोर्ट करें। तो आपन को एक्सपोर्ट करवाक आपको सी कार्गो यानी पानी जहाज द्वारा एक्सपोर्ट करें, कि एरोप्लेन यानी एयर कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट करें। तेणु आपको दुईटा जो रास्ता कहली आपको एयर कार्गो या सी कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट करें। तो आसतु मुझे कहूँ के सारे पास सी पोर्ट्स अच्छी, केते सारे एयरपोर्ट्स अच्छी। तंकर अच्छी एयरपोर्ट्स रे साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हदीदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अदेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल गदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताइज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। से साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड अदेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुटा फेमस एयरपोर्ट। तापर अच्छी सी पोर्ट्स अच्छा देखु एदेन, हदीदा, मुखा, मुखाला, निसातुन, रास इसा, मरीन टर्मिनल एंड सेल्फ पोर्ट। तो आपन जिते पोर्ट देखेली, आपन जिते पोर्ट देखेली एंड सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट देखेली, एदेन पोर्ट है इम्पोर्टाट सी पोर्ट, एंड साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एदेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर द इम्पोर्टाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। जदि आप एयर कार्गो पठेबे फ्रम ओडिशा और इंडिया, एयर कार्गो एरोप्लेन द्वारा प्रडक्ट पठेबे, अलवेज आस्क द इम्पोर्टर्स, बायर को पचारे, इम्पोर्टर को पचारे कोई एयरपोर्ट रिसीव करेंगे, आइदर एदेन रिसीव करेंगे कि साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव करेंगे। तुम पचारिदे पाखे फिलहाल अभी 5-6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छी एंड गोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट अच्छी, जेटकि एक्टिव अच्छी एंड ऑपरेशनल अच्छी। से ऑलवेज एक्सपोर्ट करने पूर्व आपड़ ऑलवेज आस्क द इम्पोर्टर्स, बायर को पचारे कि कौ एयरपोर्ट से इम्पोर्ट करेंगे, बाय करेंगे, ठीक अच्छे। देन आपड़
सीपोर्ट कहीदेली एदेन सीपोर्ट जेटा तर इम्पोर्टेन्ट सीपोर्ट टर्मिनाल तो जी सीपोर्ट ना कहीदेली आपड़ कंप्यूटर लैपटॉप रे लिस्ट कर दिंतु आतीक आपको कहीदेली एयरपोर्ट एयरपोर्ट भी लिस्ट कर दिंतु तो आप एक्सपोर्ट करने आपको जितक सारे प्रडक्ट आप लिस्ट कर फर्स्ट ए लिस्ट कर दिंतु के सारे प्रडक्ट अच्छी जे प्रडक्ट को आप इंडिया ओडिशा रु सोर्स करके आप ईएमआई को एक्सपोर्ट कर आसतु लिस्ट करके आप देखा आपण लिस्ट करके देखेदेली इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट्स जे कि एएमएन वर्ल्ड वाइड एंड भारत इम्पोर्ट करे ठीक अच्छे तो आपण को जितकी प्रडक्ट देखेली से फार्मास्यूटिकल एएमएन रे वर्तमान युद्ध चलती बहुत युद्ध चलती एएमएन रे तेना फार्मास्यूटिकल प्रडक्ट बहुत जाऊँगी मेडिसीन जाऊँगी फ्रम इंडिया आप मेडिसीन एक्सपोर्ट करेंगे एंड फूड प्रडक्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट रईस जाऊँगी अटा जाऊँगी अटा जाऊँगी मैदा अटा चावल रईस बेसन आठी जा आपर जी सब मिल्क डायरी प्रोडक्ट जाऊँगी ड्राई मिल्क जाऊँगी देन से आप टेक्सटाइल गारमेंट जाऊँगी एंड आग को जिते गृहजुद्ध सरीज बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी जाऊँगी तो आप लिस्ट करके देखेदेली यदि आप सब प्रोडक्ट को सोर्स करके एक्सपोर्ट करेंगे टू येमेन तो आप स्टार्ट करेंगे टू एक्सपोर्ट टू येमेन येमेन रे एक्सपोर्ट अर्डर पाइबापी हेल्ले आपको डिजिटल मार्केटिंग द्वारा भी करेंगे डिजिटल मार्केटिंग किंबा डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम चार्टर एडवर्टाइजमेंट करके आपरेंगे या गूगल सर्च गूगल एडवर्टाइजमेंट द्वारा डिजिटल मार्केटिंग द्वारा पाइपरेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर किंबा येमेन रे जितकी सारे आपको न्यूज पेपर देखेदेली न्यूज पेपर टीवी रेडियो स्टेशन किंबा येमेन रो जितकी ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस सब लिस्ट करके देखेदेली ताद्वारा आप रजिस्टर करके येलो पेजेस डायरेक्टरीज रजिस्टर कलापर आपठ बायर खोजिपारे कि जी सर्च इंजिन अच्छी google.com सर्च इंजिन अच्छी msn.com ask.com एम बहुत सारे सर्च इंजिन अच्छे सर्च इंजिन रे आप सर्च कले भी बायर्स पाइपारे जी जी आप बेसी अच्छी बजेट अच्छी तेणु येमेन रे रेडियो रे टीवी रे आपन एडवर्टाइजमेंट करि परिबे ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूजपेपर रे ब्लॉग्स रे एडवर्टाइजमेंट करि परिबे ताकि आपनको सेटि बायर्स मिल जिवे किंबा आपन ऑनलाइन रे जति कहि देली सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड सर्च इंजिन रे एडवर्टाइजमेंट करबा द्वारा आपनको येमेन रु एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल परिबे येमेन को आपन फिलहाल ट्रैवल करि परिबे नै बिकॉज ऑफ वार चलछि बहुत डेंजर इट्स डेंजर टू ट्रैवल सेतबाय एबे ट्रैवल करि परिबे नै करंतु नै आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग द्वारा ही आप एक्सपोर्टर ऑर्डर पाइपारे फ्रॉम येमेन तो येमेन रु के सारे प्रोडक्ट केते सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट आप देखेदेली आपक येलो पेजेस डायरेक्टरीज ऑफ येमेन देखेदेली से आप रजिस्टर करके आप कंपनी को ऐड कर दिंतु प्रोडक्ट सर्विसेज ऐड करूँ आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट ऐड कर दिंतु ताकि येमेन रे सर्च इंजिन रे आप कंपनी देखादेव देन येमेन बायर्स आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये डिटेल्स कहीदेली येमेन को आपड़ केमी एक्सपोर्ट करेंगे डिटेल्स कहीदेली जदि आप येमेन को एक्सपोर्ट करने चाहती तो मोर जी डिटेल्स कहीदेली तो प्रोसीजर फॉलो करूँ एंड आपको जितकी इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट देदेली वेबसाइट को आप लिखिक रखु से रजिस्टर करके आप सर्च करूँ हु आर द बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट इन येमेन येमेन रे जेटा यूएई यूनाइटेड आरब एमिरेट्स यूएई एंड साउदी अरेबिया येमेन रो ठीक बॉर्डर रे अछंती बहुत सारे प्रोडक्ट येमेन यूएई साउदी अरेबिया रे इम्पोर्ट करुछि सेतिपाई आपण जदि डायरेक्ट एक्सपोर्ट करे पई चाहती देन आपण येमेन को डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग द्वारा आपनकु बायर मिली पारिबो तेणु आपण जदि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करे पई चाहती आपण डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कांटेक्ट करंतु कला परे आपण डिजिटल मार्केटिंग द्वारा आपण ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग करि परिबे इन टारगेट करि परिबे येमेन को
तो डिटेल्स से कहीदेली जदि आपको एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट दरकार हुए एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्केटिंग रिलेटेड आप मतलब कांटेक्ट कर पारिबे। मो कांटेक्ट डिटेल्स आपको ए वीडियो रे लास्ट रे मिलिबो। वीडियो रे मोर जे कांटेक्ट डिटेल्स अछि मोबाइल नंबर अछि। मो मोस्टली इंडिया रे रहोनी आउट ऑफ इंडिया रहउछि ट्रैवल करुछि। तो आप कांटेक्ट करिबे जदि मते व्हाट्सएप रे कांटेक्ट करिबे किबा ईमेल द्वारा कांटेक्ट कर पारिबे। मो आशा करुछि मोर ए टॉपिक आपन भलो लागिला। वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु ताकि मो बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपन पय आनी पारिबे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय जगन्नाथ।